निशान धवन एंड यू वाचिंग मी ऑन सीन स्पीड। जैसे कि आज सीन में हम देख रहे हैं आप दुल्हन को लेके भाग रहे हो, एक्चुअली क्या हो रहा है, कुछ बता सकते हैं उस बारे में? आप देखिए, तारा एक नई मुसीबत में फंसी है और इस नई मुसीबत से छुटकारा दिलवाने के लिए ग्रुप पहुंच गया उसको बचाने के लिए, लेकिन इस बार वो पहुंचा है सामूहिक विवाह में। और इस ये जो क्या कहते हैं, ये जो सिचुएशन है, ये तारा के लिए बहुत नई है और मेरे लिए भी नहीं है। सो आप इस पर्टिकुलर सीन में मुझे आगा की जो लैंग्वेज होती है, वो जो मेरी माँ बोलती है, जो मेरी ताई जी बोलती है, वो बोलते हैं, सुनेंगे। आई होप आप लोगों को मुझे बहुत ही नया होगा, ऑफकोर्स नया ही होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा, मेरे लिए भी है बहुत। अक्सर फिल्मों में देखते हैं दूल्हा दुल्हन को भाग रहा है, लेकिन ये सीन करके आपको कितना मजा आ रहा है कि चलो भाई दुल्हन के लेके भाग रहा हूँ मैं? अब देखिए, आप जब किसी को बचाते हो तो आपके मन में मैल नहीं होना चाहिए। सो दुल्हन के मन में मैल नहीं है, मैल मतलब ऐसा नहीं है कि मैल मतलब ये होता है, बट आई फील मेरा कहने का मतलब है कि मीन नहीं है उसका ध्रुव का कुछ किसी की मदद करने के लिए, बट ये एक अच्छे इंसान की फितरत होती है कि वो हमेशा लोगों के नज़रिए से वो चीज़ लगे वैसे कि हाँ यार आप जैसे आपने जैसे कहा, लेकिन ध्रुव का सिर्फ एक ही मोटिव था उसको उसकी जान बचाना, उसको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना। बात करें ध्रुव की कैरेक्टर की, जिस तरह का आपका कैरेक्टर है, क्या रियल लाइफ में भी इस तरीके से आप कुछ ना कुछ हेल्प करते रहते हैं लोगों की? नहीं, वो तो देखो मदद तो इंसान का वो है, कर्तव्य है, करना ही चाहिए एक दूसरे की, भले वो लोग हो चाहे फिर जानवर हो। सो वो तो मैं करते ही रहता हूँ, आप भी करते होंगे, जो लोग देख रहे हैं वो भी करते होंगे। सो उसमें कोई बड़प्पन वाली बात नहीं, बट हाँ जो सीरियस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, ये सीरियसली बहुत बढ़ा चढ़ा कर ही ये चीज़ होती है कि अगर कोई शादी के मंडल से किसी को उठा के ले जाए, गोद में उठा के शादी करके, तो ये नॉर्मल लाइफ में बहुत कम होता है, तो इसलिए वो थोड़ा ड्रामेटिक ज़्यादा लगता है, सिनेमैटिक ज़्यादा लगता है। लेकिन हाँ, असल ज़िंदगी में बहुत लोगों की ज़िंदगी में हो चुका है सर, बट आई फील कि हाँ एक अलग फील होता है इस चीज़ों इन चीज़ों में। बात करें ध्रुव तारा की ऑडियंस को आगे कुछ क्या ट्विस्ट और तो मिल सकता है? अभी नवरंग वन की बात चली है, नवरंग वन का जो मंदिर है हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे कोई पंडित जी वो बहुत सारी कहते हैं खुफिया बातें जो होती हैं जो उनको ही पता है वो बताएंगे। अब वो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज ध्रुव पहली बार ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे वो हालांकि उसका नास्तिक होना और इस सिचुएशन में आपको मंदिर जाना और पंडित जी से मिलना बहुत ही कॉन्ट्रोडिक्टिंग चीज़ें हैं, लेकिन वो तारक नहीं कर रहा है, तारक ये सब कुछ कर रहा है। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है कि आप ये देख रहे हैं इसको प्यार हुआ या दोस्ती होगी, लेट्स सी। बीइंग इंडियन अभी हाल ही में ट्रिपल आर के सॉन्ग्स को ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हुआ है, तो बीइंग इंडियन कितना आपको प्राउड फील होता है इस चीज़ को लेके? हम सब लोगों को तो अच्छा ही लगता है कि इंडिया का जहाँ जहाँ नाम आता है, क्या होता है ना कि इन चीज़ों से ये फील होता है कि आप इंडियन हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा होना ही चाहिए कि आपको प्राउड फील हो। आपको वैसे भी प्राउड फील होना चाहिए, भारतीय संस्कृति और भारत के लोग वैसे सब हैं, पूरी दुनिया से अलग है, पूरी दुनिया के लोग इंग्लिश से अलग हैं, लेकिन जो सभ्यता है, सरलता है, सहजता है वो भारतीय में ज़्यादा है, आई गेस वो ही बहुत है हम एक दूसरे को एक दूसरे के लिए प्राउड फील करवाने के लिए। बट हाँ, ऑस्कर की जो हमारे बोलना चाहेंगे हमारे इस शो को प्यार दें, जैसे आपने मेरे सभी कलीग्स सभी एक्टर्स को प्यार दिया है, वैसे आप हमें भी दें, हम सबको दें, ताकि हम ये शो लंबा चला सकें और आप लोगों को एपिसोड्स नए और इंटरेस्टिंग दे सकें। हमें भी अच्छा लगता है आप लोगों को मदद करने का और यू नो मोटिवेशन मिलता है।